दिल्ली का प्रदूषण अब इस खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है कि यहां पर गाड़ियों को बैन करने तक की नौबत आ गई है। हालांकि ये फैसला भी लिया नहीं गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है। इस बीच दिवाली के बाद सोमवार को पहली बार दिल्ली में 12 घंटे का औसत एयर इंडेक्स 399 यानी 399 रहा और ये इंडेक्स पहली बार 400 से नीचे आया। लेकिन प्रदूषण को लेकर दिल्ली में स्थिति अब भी खराब ही बनी हुई है। तो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर इस वक्त की बड़ी खबरें आपको बता दें, दिल्ली में डीजल पेट्रोल की गाड़ियां बंद हो सकती हैं। एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी यानी ईपीसीए के चेयरमैन भूरे लाल ने आशंका जताई है कि दिल्ली में अगर प्रदूषण के हालात सुधरे तो डीजल पेट्रोल वाहन बंद हो सकते हैं, अगर हालात नहीं सुधरे तो। हालांकि ये प्रतिबंध कुछ समय के लिए ही लगाया जा सकता है। पहली चीज यह है जो मैं बार बार कहता हूं, लाइफ जिंदगी ज्यादा जरूरी है या गाड़ी ज्यादा जरूरी है? अगर ऐसी चीज हो जाती है कि सांस लेते ही आदमी सीधा हॉस्पिटल भागे तो हमको गाड़ियों पर भी प्रतिबंध, प्राइवेट गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। और मैं बार बार संबंधित अधिकारियों से, अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करें, बढ़ाएं और जरूरत पड़े तो नेबरिंग स्टेट से जहाँ ऐसी स्थिति नहीं है वहाँ से बसें बारो करें और मेट्रो में एडिशनल कोच लगाएं ताकि जनता को असुविधा ना हो। लेकिन अगर स्थिति इतनी गंभीर होती है कि सांस लेने में बिल्कुल कठिनाई है लोगों को, खासकर बुजुर्गों को, गर्भवती माताओं को और बच्चों को, तो हमें कोई इसमें संशय नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट गाड़ियों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाएं। तो आपको बता दें कि नौबत क्यों आई है। दिल्ली में डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर भी बैन का विचार क्यों किया जा रहा है? दरअसल दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उसमें 28% हिस्सेदारी गाड़ियों की है, जिसमें ट्रक और ट्रैक्टर 9%, दोपहिया वाहन 7%, तीन पहिया वाहन 5% और चार पहिया वाहन 3%। बसों से प्रदूषण 3% होता है। LCVs यानी कि लाइट कमर्शियल व्हीकल से प्रदूषण 1% होता है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि प्रदूषण के लिए कौन कौन किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है, और इसीलिए ये जो पेट्रोल और डीजल की व्हीकल्स है, गाड़ियां हैं, इन पर ही दिल्ली के अंदर बैन लगाने की बात कही जा रही है। सिर्फ CNG व्हीकल्स को ही अलाउड होगा दिल्ली में प्रवेश करना। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, यशस्विका दिल्ली के ITO से जुड़ी है हमारे साथ और दिल्ली के अक्षरधाम से अश्विनी गुप्ता हमारे साथ है। यशस्विका, क्या अपडेट है? जी नंदिता, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो EPCA है उसने भी CPCA की जो टास्क फोर्स है उसको ये कहा है कि क्या हमें ये जो जो भी जो रूल है कि गाड़ियाँ जो है वो बैन करनी है, जो पेट्रोल और डीजल वाली, क्या ये NCR में भी लागू होगा? इसको भी लेकर जो है आगे मीटिंग जो है होने वाली है और कुछ ही दिनों में, आने वाले दिनों में ये फैसला लिया जा सकता है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर जो है वो कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ जो है वो बैन कर दी जाए ताकि प्रदूषण का स्तर जो है वो कम हो जाए। बात ये भी की जा रही थी कि 13 और 14 नवंबर जो है बारिश होने की संभावना है दिल्ली में, लेकिन जो बारिश है वो बहुत कम होगी जिससे प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। अगर प्रदूषण कम करना है तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है। हमने यहाँ पर लोगों से भी बात करी कि अगर डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ जो हैं आप लानी अगर बंद कर दें तो क्या आपको ये ठीक लगता है? तो लोगों का यही कहना था कि इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और इससे लोगों को ही दिक्कत होगी, उनका ये कहना था। बिल्कुल अश्विनी, अगर आप देख रहे हैं कि 12 तारीख तक एक्सटेंड कर दिए गए थे जो तमाम प्रतिबंध सरकार की तरफ से लगाए गए थे, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता दिखाई दिया, आपको लगता है गाड़ियों की आवाजाही रोकने से कुछ असर पड़ सकता है या फिर हमें मौसम के बदलने का इंतजार करना होगा? बिल्कुल, देखिए नंदिता, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज दिल्ली में कुछ जगहों पर बारिश हुई है लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। यो वैसा कि वैसा ही 400 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अभी भी बना हुआ है, यानी कि बारिश से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कल भी बारिश हो सकती है लेकिन उससे भी उम्मीद नहीं कि पॉल्यूशन के स्तर में बहुत ज़्यादा फर्क कोई पड़ेगा। अगर डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की को बैन करने की बात करें तो हालांकि EPCA ये बात कह जरूर रहा है, लेकिन ये लागू कितना हो पाएगा प्रैक्टिकली
ये पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि पिछले साल भी जब एनजीटी ने बैन लगाने के लिए कहा था तो दिल्ली सरकार ने यह हवाला दिया था कि उसके पास इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, और उसने ये कहा था कि जो मोटरसाइकिल्स हैं उनको छूट मिलनी चाहिए, महिलाएं जो हैं उनको छूट मिलनी चाहिए, उसके बाद फिर ये बैन नहीं लगा था। तो अगर ये बैन लगता भी है तो दिल्ली सरकार फिर ये हवाला दे सकती है कि इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना मजबूत नहीं है दिल्ली में, तो ऐसे में ये बैन अगर लगेगा तो कैसे लगेगा, और अगर छूट दी जाती है मोटरसाइकिल को या बाकी उसको तो फिर इस बैन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अगर ये बैन लगता भी है तो उसके प्रैक्टिकली उसकी पॉसिबिलिटीज कम दिखाई पड़ रही, क्योंकि दिल्ली में इस तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं। तो अब ऐसे में अभी फिलहाल जो सूरत बस्ती है वो यही बस्ती है, अगर दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो जाए या फिर दिल्ली में जो हवा चल रही है उसका रुख जो है वो पलट जाए, जो नॉर्थ ईस्टर्ली हवा चल रही है वो नॉर्थ वेस्टर्ली हो जाए। फिलहाल जो हमारी मौसम विभाग से बात हुई है, भारी बारिश की ऐसी कोई संभावना नहीं है, ना ही एकदम से हवा का रुख बहुत ज्यादा बदलने वाला है। तो कह सकते हैं कि पॉल्यूशन जो है वो बना रहेगा। आप जानती हैं कि 5 नवंबर से दिल्ली में तमाम रिस्ट्रिक्शंस लागू हैं, लेकिन आज करीब एक हफ्ता होने को आ रहा है, लेकिन इसका उससे भी कुछ खास असर सामने नहीं आया अश्विनी, और इसीलिए अब पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को भी बैन करने की बात चल रही है कुछ वक्त के लिए। हालांकि देखना होगा कि ये कदम कब से उठाया जाता है और प्रशासन कितना तैयार है इस कदम के लिए। शुक्रिया आयश अश्विनी और अश्विनी ये जानकारी देने के लिए।